हमारा गांव का दाल वड़ा में पानी डाल के फिर उसके बाद सर्व करते हैं यहाँ पे। गाइस ये देखिए, यही रबर का झाड़ है ये नदी के ऊपर जो, ठीक है गाइस, इसके ऊपर भी पानी जाता है। पाइनएप्पल ना बहुत सस्ता मिलता है, 5 पाइनएप्पल ना इधर 100 रुपीस में मिल रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बढ़िया से एक ट्रैवल व्लॉग ही रहने वाला है। और यहाँ अभी मेरा घर से मैं निकल रहा हूँ, सुबह की कुछ 11 बज रहा है, 11 बजे हम लोग सुबह उठने का सोचा था लेकिन सुबह उठ नहीं पाया तो लेट हो गया, क्योंकि कल भी वो ट्रैवल करके आया। तो क्या वीडियो में आपने देखा रहेगा, कुछ कुट्रालाम का मैंने सीनरी सब था और कुट्रालाम का एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया था, वही कंटिन्यू है ये। और ऐसा ऐसा जगह हमारा तमिलनाडु में है, मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए और वीडियो को एंजॉय करिए गाइस। चलो वीडियो के अंदर, हमारा ये विलेज का ही होटल है, यहाँ पे ना बहुत बढ़िया सा फूड मिलती है। अभी यहाँ से हम लोग ना नाश्ता करके ना फिर आगे निकलेंगे। यहाँ का अभी हम लोगों ने डोसा और वड़ा बोला है, इडली सब खत्म हो गया ऑलरेडी, बहुत लेट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से अभी 12 बज रहे हैं, रात को 3 बजे निकलने का था कन्याकुमारी जाके, फिर उधर जाने का था वाटरफॉल जाने का था, लेकिन सुबह उठने पाया तो यहाँ से ही निकल रहे हैं। इनके साथ में जा रहे हैं, ये तो दोनों विलेज के, इनके साथ में अपन बाइक में जाने वाला है। यहाँ से ना कम से कम मेरा 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है, वो मंडार बोला है ना, 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है। उसके बाद वहाँ से फिर हम कन्याकुमारी जाने वाले। और गाइस पहला दाल वड़ा रखा है जो हमारा गांव का दाल वड़ा, केला के पत्ते में पानी डाल के फिर उसके बाद सर्व करते हैं यहाँ पे। नहीं ना नहीं रोस्ट सांबर जितना चाहिए उतना डाल के ले लो, सांबर का रख दिया उन्होंने। एक नंबर सांबर और डोसा, डोसा दो नंबर, एक नंबर चटनी सांबर भी मस्त है, पूरा कोकोनट से बनाया हुआ चटनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से अभी नाश्ता करके फिर निकलेंगे, नाश्ता मस्त है, चलो आगे जाके फिर बात करते हम लोग। यहाँ पे नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी कुछ टाइम कुछ 12 बज रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रोड से हम लोग जा रहे हैं करके। पाइनएप्पल फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर।
got a trolley. गाइस हम लोग जिधर जा रहे हैं ना वो का स्टार्टिंग पॉइंट तोट्टीपालम हम जा रहे हैं। वहाँ का सीनरी देखो, ये केरला नहीं है, ये मेरा तमिलनाडु का सीनरी है। एक नंबर है गाइस, देखिए ये जो नदी स्टार्ट हो रही है ना वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। चलिए जाते செம்ம பிளேஸ் கைஸ், உண்மையில சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்க பாருங்களா கைஸ், ஜோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பே ஜோ ஆப்கோ ஜாட் திக் ரஹா உஸ் சப் பனா ரப்பர் கா யே ஹை யா, யே ஜோ ஜாட் சே ஹி ரப்பர் நிகல்தி ஹை. தேகிய ஆப்கோ திகாதா ஹூன், தேகிய கைஸ் யே தேகிய, யே ஹி ரப்பர் கா ஜாட் ஹை. யே தேகோ யா சே நா வோ ரப்பர் கா பானி நா டபக்தா ஹூ வாட்டி மே, தோ இஸ்ஸே வோ பிளாஸ்டிக் கா ஜோ ஹை நா சப் சீஸ் பன்தி ஹை. गाइस ये जो रबर है ना अपना बाइक टायर वेयर में सब यूज होते हैं ना वो वाला रबर है। ये देखिए पूरा जाड़ ये ज्यादा कर जो ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना यही नदी है, नीचे ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये नदी के ऊपर जो ठीक है गाइस, इसके ऊपर भी पानी जाता है गाइस। ये है ना एक सुपर इंजीनियर वर्क बोल सकते हैं। ये देखिए नीचे है ना पूरा नदी जा रहा है, उसके ऊपर का जो नदी का जो पानी है ना दूसरे गांव में पहुंचाने के लिए उस टाइम के चीफ मिनिस्टर आप कामराज उन्होंने बांधा था ये। ये देखिए चलिए अभी इसके ऊपर अपन जाके देखते हैं, इसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। गाइस पूरा थक गए, बहुत सारा सीढ़ी है, चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है। पीछे आपको ना पीछे दिखाता हूँ कितना हम लोग चढ़ के आए करके। ये देखिए गाइस हम लोग कितना ऊपर चढ़ के आए हैं। गाइस यहाँ पे ना जो पाइनएप्पल है ना बहुत सस्ता मिलता है, 5 पाइनएप्पल है ना इधर 100 रुपीज में मिल रहा है, क्योंकि पूरा खेती है ना पाइनएप्पल का, बहुत सारा खेती होता है। पाइनएप्पल हम लोग लिया था कुछ 10 रुपये का ना, इतना पाइनएप्पल उन्होंने काट के दिया था। और इसका जो है ना काकड़ी का रेट है ना थोड़ा ज़्यादा है, 20 रुपया। और आम का भी दिया है उन्होंने, देखो खा रहा मेरा दोस्त आ रहा है ना, वो भी 20 रुपया है। बाकी पाइनएप्पल बहुत सस्ता है यहाँ पे। कंब के लंगन चलवाऊंगा, ये जो है ना केरला में ना कप्पर के लंग बोलते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया रहेगा वो जो पैकेट में जो ये है ना वो ऐसा ही निकलता है, पूरा इससे बड़ा बड़ा निकलता है। पानी करूंगा जमे रहेगा ना वरना पानी। यहाँ देखिए ये जो पानी है ना वहाँ से आएगी, नीचे रिवर जा रही है, तो यहाँ का जो पानी वो रिवर के वो साइड के गांव में पहुँचाने के लिए जो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर है ना उन्होंने बांधा था। देखिए पूरा देगा, देखिए व्यू, देखिए कितना मस्त व्यू है गाइस। पीछे पूरा देख रहा हूँ पूरा जंगल है यार। और नीचे आपको मैं नदी दिखाता हूँ, पहले आपने नीचे से नदी देखा रहेगा, अभी ऊपर से व्यू देखिए कैसा है। एक सुपर प्लेस है गाइस, ये जगह जो है ना बहुत सुपर प्लेस है। आप कभी कन्याकुमारी नागरकोइल आएंगे तो ये यहाँ पे मस्ट विजिट करिए, बहुत अच्छा जगह है गाइस। ये देखिए गाइस पूरा है ना जंगल है, पूरा आपको है ना पहाड़ वो सब दिखेगा, नीचे देखिए नदी जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है गाइस, ये बहुत सारा चीज़ें आपको है ना फोटो में देखा रहेगा, वो नेचुरली आप लाइव देखने के लिए पड़ेगा ना गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए क्या नदी के बाजू आजू बाजू पूरा अपना नारियल का झाड़, खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ऐसा जगह मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बोला तो यहाँ पे ना भी सकते हैं, उतना अच्छा लगता है। इसमें पूरा है ना पानी है ना देखो पूरा भर के जाती है, इधर ऐसा ना बहुत सारा लोग स्विमिंग सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। पानी नहीं है ना थोड़ा वो एक अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो पानी रहेगा ना बहुत मस्त बढ़िया सा जगह है गाइस। चलिए आपको ना नदी दिखाता हूँ नीचे, ना नेचुरली अपन वो नदी देख रहे हैं ना गाइस, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो सब लोग नीचे नहा रहे हैं, नदी ना यहाँ से स्टार्ट होके वैसे जा रहा है। देखिए पूरा ना ये पूरा ना गाइस, ये जो है ना आंवला है,
आंवला है ना नमक के गर्म पानी में डाल के रखा है, 10 रुपया का है। टेस्ट करते कैसे है करके, पापा टेस्ट देखते हैं। अच्छा मीठा है क्या? చక్కపళం ఫ్రై పైసా కొడు హలో 35 यहाँ पे वाटरफॉल के यहाँ पे आ गए अभी है ना। वाटरफॉल के इधर देखिए गाइस कितना गर्दी है, तो हम लोग ने ऑलरेडी वाटरफॉल के इधर टिकट निकाल दिया, लेकिन अपन बोट के लिए पहले जाके आएंगे करके। यहाँ पे देखिए बोट का बोर्ड लगा है, अभी यहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद है ना हम लोग वाटरफॉल जाएंगे। गाइस मुन्नाड़ी गाइस ये देखिए, तो ये ना छोटा वाटरफॉल है। यस यहाँ से हम लोग ऊपर वाला है, हाँ इसके जो नीचे ना वो बड़ा था, ये जो हम ऊपर आए अब यहाँ से हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ये बोटिंग के लिए रास्ता जा रहा है यहाँ पे। जो तोट्टीपालम से ना यहाँ पे आने के लिए कितना, मेरे ख्याल से 7 किलोमीटर दूर से दूरी पे, 7 किलोमीटर ना, ओके। तोट्टीपालम से गाइस यहाँ पे आने के लिए ना आपको ना एक 7 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ये जो बोटिंग का ये देखो सीढ़ी है, ये यहाँ से फिर आप बोटिंग करेंगे, उसके बाद ना वाटरफॉल में जाएंगे। ऐसे वजह कि वो बोटिंग वाला उधर ही अपने जाने का, उधर वही बोट पे जाएंगे, उसके बाद है ना आप नीचे यहाँ पे ना सकते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, वो वाटरफॉल जैसा रहेगा जो आप पहले आपने देखा था ना, वो वहाँ पे जाएंगे। पहले अपन बोटिंग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नहाएंगे सर। அதுக்கு அதுக்கு நீ மொபைல் அவன்ட்டே கொடுக்க முடியும். கேஸ் இதா போட்டுக்கு போற என்ட்ரி, பாத்து ரேட் ஓவரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. தம்பி பிடிக்கலாம் சார்ஜன் பண்ணால போடு இதுவோ चलो 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 चलते हैं गाड़ी। ये बैग है तब पर हम बैग पत्रों एक नंबर है, पूरा एक्सपीरियंस एक नंबर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी फैमिली के साथ आएंगे ना बहुत एंजॉय कर सकते हैं। देखो अपने बाजू में देखिए गाइस, बहुत बड़ा बोट में उधर जो रसी डोर लगा है ना वहां तक अपन जा सकते हैं, और यहाँ का देखे ना पूरा है चपले मुझे
गाइस अभी ना हम लोग नहाने के लिए आए, उनको नहाने के लिए देखिए राइट साइड में देखिए, यहाँ पे नहाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। ओके गाइस हम लोग फाइनली जो बड़ा वाटरफॉल वहाँ पे आ गए, अभी यहाँ पे यहाँ पे नहाने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे, चलो अंदर जाते हैं। गाइस हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा, आपने वीडियो पूरा वीडियो देखा रहेगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ये करो। और ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ से फिर कन्याकुमारी जा रहे हैं और कन्याकुमारी का सेकंड पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना और भूलना मत गाइस सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए वेट करना। और आपसे साइन अप कर रहा आपका मैं, बाय बाय।